हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स के बारे में। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज करता है, कितने दिन का यूज होता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन डालेगी और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। तो जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या आप ही अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं खुद नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। स्वागत है जेनोसिन 200 mg टेबलेट जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप है, जिसकी MRP की बात करें तो उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप है उसकी MRP 92। जेनोसिन 200 mg टेबलेट को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर कंपोजिशन से ओब्रोक्सिसिन 200 mg टेबलेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो उसका इस्तेमाल जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज में मदद करता है। इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्स, नाक, गले, तवसा और कोमल ऊतकों और फेफड़ों निमोनिया के इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और इन्फेक्शन को ठीक करता है। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल ये टेबलेट्स ट्रीटमेंट करता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स का डोज और डोसेंस की बात करें तो इसका डोज और डोसेंस पेशेंट्स की एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोसेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट में हो सकता है मिचली आना, हेडेक होना, चक्कर आना, खुजली होना, रैशेस होना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क जेनोसिन टेबलेट्स। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स के अंदर जो मेडिसिन रहती है यानी कि ओब्लोक्सिसिन 200 mg टेबलेट्स वे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से ये DNA गायरस नामक बैक्टीरियल एंजाइम की क्रिया को रोककर काम करता है। यह बैक्टीरिया कोशिकाओं को विभाजन और मरम्मत से रोकता है जिससे उन्हें मार देता है। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें। बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपनी मत से जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हमें कमेंट सेक्शन बताएं। जेनोसिन 200 mg टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।